हे दोस्त, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं सिद्धार्थ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10 चैप्टर 3.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना? क्या है चलिए देखते हैं। क्लास 10 चैप्टर 3, तुम सब भाई किताब निकालो और सवाल पढ़ो। क्या कह रहे हैं सवाल, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निकालो किताब और पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूँ, देखो कह रहा है सवाल। अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले, इसके लिए माइनस आता है, और पश्चात यानी बाद मतलब प्लस आता है, ठीक है ना? तो देखो, पहले हम लोग जानेंगे, मान लो कि ये है अफ्ताब। कौन है अफ्ताब? और ये मान लो उनकी पुत्री। ये है अफ्ताब और ये है उनकी पुत्री। तो अफ्ताब अपनी पुत्री से कहते हैं 7 वर्ष पूर्व। तो पहले ये बताओ कि अफ्ताब का उम्र कितना है, अफ्ताब का उम्र कितना है? नहीं दिया है, तो मान लेंगे कि हमारा अफ्ताब का उम्र कितना है, 1 वर्ष है। और पुत्री का उम्र कितना है, नहीं दिया है, तो मान लेंगे कितना है, 1 वर्ष है। तो माना कि अफ्ताब का वर्तमान आयु 1 वर्ष और पुत्री का वर्तमान आयु 1 वर्ष। अब कह रहा है अफ्ताब, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। कौन कहता है? अफ्ताब कहता है। पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पहले, 7 गुनी आयु का नहीं, 7 वर्ष पहले, एक्स माइनस सेवन, ठीक है ना? ये 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो अभी पुत्र का, अभी अफ्ताब का उम्र एक्स माइनस सेवन और पुत्री का उम्र वाई माइनस सेवन। इसका भी तो पीछे जाएगा तो 7 गुना कम होगा, ठीक है? तो अब बताइए कि अभी अफ्ताब का उम्र कितना वर्ष हो गया, कितना वर्ष हो गया? एक्स माइनस सेवन वर्ष। 7 वर्ष पूर्व अफ्ताब का आयु एक्स माइनस सेवन वर्ष और पुत्री का आयु वाई माइनस सेवन वर्ष, ठीक है ना? अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं, यानी कि अफ्ताब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। मतलब अफ्ताब 7 गुना बड़ा है और उसकी पुत्री 7 गुना क्या है, छोटी है। यहाँ पर आइए, एक्स माइनस सेवन ये अफ्ताब है और ये वाई माइनस सेवन ये इसकी पुत्री है। तो ये अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व हम तोरा से 7 गुना अधिक रहनी है। मतलब बाप 7 गुना बड़ा है और बेटी 7 गुना का है, छोटी है। तो जब बेटी छोटी है तो बेटी में 7 से हम गुना कर देंगे 7 गुना, तो बेटी और बाप का उम्र इक्वल हो जाएगा ना, बराबर। इसलिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह, इक्वल का चिन्ह आया है। चिन्ह यहाँ पर क्यों आया है? दोनों का उम्र इक्वल करने के लिए। तो बाप 7 गुना बड़ा है, बेटी 7 गुना क्या है, छोटी है। बेटी छोटी है, बाप बड़ा है, तो बेटी में 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बाप और बेटी का उम्र क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा, ठीक है? अब देखो यहां पर, तो अब देखो यहाँ पर x माइनस सेवन ये बाप का उम्र है और ये y माइनस सेवन बेटी का उम्र है, ठीक है ना? तो x माइनस सेवन बराबर और 7 में y जो होगा गुना 7 7y माइनस 7 7 49, ठीक है ना? और यहाँ पर देखो x माइनस सेवन बराबर 7y, यानी तो हो गया। और यहाँ पर देखो x माइनस और ये 7y यहाँ पर प्लस में है, प्लस में है ना, और बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 7y। और ये हमारा माइनस 49 है और ये प्लस माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। तो अब देखो यहाँ पर x माइनस सेवन बराबर 7 × y माइनस सेवन का सोल्यूशन होगा x माइनस सेवन बराबर 7 में y सौ गुना क्या होगा, 7y × 49। x माइनस अब देखो चर को एक जगह करेंगे और अचर को एक जगह करेंगे, ठीक है ना? तो x माइनस सेवन वाई बराबर माइनस 49 ये है, माइनस माइनस
सेवन, ठीक है ना। तो x माइनस सेवन वाई बराबर माइनस 42, माइनस 42 यहाँ पर सोल्यूशन आ गया। ये हमारा ये वन समीकरण वन इसको मान लेंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण वन, ये वो हमारा सोल्यूशन आ गया, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको मिटा देगा, ठीक है ना। अब देखो, अब बात करता है, अब क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, तीन वर्ष बाद मैं तुमसे केवल, अब 3 वर्ष बाद क्या बात करता है ना, तो अभी आफ्ताब का उम्र कितना था, 1 वर्ष, और 3 वर्ष बाद के लिए क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है ना। अभी पुत्री का उम्र कितना है, वाई वर्ष, और 3 वर्ष बाद कितना होगा, वाई प्लस 3। प्रश्न के अनुसार देखो कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, मतलब अभी आज से 3 वर्ष बाद 3 गुना आयु के, 3 गुना आयु के हो जाए, मतलब कि लड़की 3 गुना का हो जाए, छोट हो जाए, अब बाप 3 गुना का हो जाए, भाई बड़ा आयु हो जाएगा। तो ये है बाप का उम्र और ये है बेटी का उम्र, तो बाप 3 गुना का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और बेटी 3 गुना का हो जाएगी, छोट हो जाएगी, वाई वाला बेटी है, ठीक है ना। तो वाई में 3 से गुना कर देंगे तो दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा, है ना, दोनों का एज बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। सोल्यूशन कर लेना, हम सबको बता दिए किस प्रकार करना है। तो अब देखो, एक्स प्लस 3 बराबर 3 में वाई 14 गुना 3 वाई प्लस 3 के 9। अब देखो, चर एक जगह करना है और अचर को एक जगह पर करना है, तो 3 तो एक्स माइनस, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में 3 वाई, और ये प्लस में है तो इधर आएगा 9 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको ये एक समीकरण मिला, एक समीकरण हम बता के यहाँ पर मिला, देखो ये हमारा नंबर 2 मान लेंगे इसको, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा दो हमारा आ गया, ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर होता है कि माइनस छोड़ दिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो समीकरण 1, अब इसको यहाँ पर देख ग्राफीय बिंदी है, इसको हम मिटा देते हैं, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ये करना है कि जितना हो सके उतना सबसे पहले मान सबसे छोटा रखना है, ठीक है ना। जितना छोटा मान रखेंगे उतना हमारा छोटा ग्राफ बनेगा। तो हमारा समीकरण 1 था, x माइनस 7y बराबर x बराबर 7y माइनस 42, ठीक है ना। तो x, तो अगर हम y की जगह पर 5 रखते हैं तो 5 5 35 में लगा दिए हम माइनस 7 आ जाएगा। अगर हम y के मान 6 रखते हैं तो क्या